नमस्कार मेरे प्यारे किसान दोस्तों, आज मैं आपको अपना आम का बगीचा दिखाना चाहता हूँ जो इस टाइम पर आप देख ही सकते हैं कि इसको पेड़ पर क्या बोलते हैं। यह आम का बगीचा है, इसको बोर या बंजर बोलते हैं, हम इसको बोर बोलते हैं। आपकी आपके यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, आपके पता नहीं क्या बोलेंगे इसे, वैसे इसको बोर या बंजर बोला जाता है। आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है मेरे बगीचे में लगी हुई, जो काफ़ी देख ही सकते हैं आप किस तरीके से इस पर बोर आ रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए बोर खिलना स्टार्ट हो चुका है, देखिए बोर खिलना स्टार्ट हो चुका है। आप इसे देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी शाइनिंग है, इस पर कोई भी आपको कीड़ा दिखाई नहीं देगा, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, आप देख सकते हैं इस पर, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये यहाँ पर छोटा फल है बनने लगा है, आप देख सकते हैं कि ये कितना साफ है, इस पर कोई भी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं, देखते हैं आगे, मैं आपको पूरा बगीचा दिखाऊंगा अपना। हमारे पूरे बगीचे में इस तरीके से फ्लावर आ रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए ये जो आम की क्वालिटी है, ये दशहरी के पेड़ हैं, ये देखिए ये दशहरी के पेड़ हैं, ज़्यादातर बगीचे में आम सभी पेड़ों पर आया है। ये मार्च का महीना चल रहा है, इसी महीने के लास्ट में इस पर जो छोटे छोटे फल होते हैं, आमी जिसे आमी बोलते हैं, वो आमी बोलते हैं, जो छोटी छोटी होती हैं आमी बोलते हैं उन्हें, इस मार्च तक वो पेड़ पर बन जाएंगी। मार्च के बाद से आम फल मोटा होता रहेगा, उसका साइज बढ़ता रहेगा। देखिए यार किसान दोस्तों, इस पर भी कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, ना ही इस पर कोई फफूंदी लगी हुई है, ना कोई परेशानी है, आप देख ही सकते हैं। ये बोर खिलने पर है, जैसे जैसे बोर खिलेगा वैसे वैसे आमें छटती रहेगी, इस पर आमें छटती रहेगी तो आप देख ही सकते हैं कि आमें किस तरीके छटती है। देखिए मेरे प्यारे किसान दोस्तों, आप देख सकते हैं, देखें ये सभी दशहरे के पेड़ हैं मेरे बगीचे में, ज़्यादातर आम के सभी आए हुए हैं मेरे इस बगीचे में, कम से कम 1,000 पेड़ आम के हैं जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए बहुत बेहतरीन क्वालिटी है इसकी, दशहरी जो होती है, जो दशहरी आम होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइट का होता है, साइज काफ़ी बड़ा होता है, जो आप मलियावादी बोलते हैं उसी साइज की दशहरी होती है हमारे बगीचे में। आप देख सकते हैं, देखिए गाइस यहाँ पर कुछ छोटी छोटी आमियाँ बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अभी दिखाई नहीं देगी वो, देखिए कुछ आमियां दिखाई देंगी इस टहनी पर, देखिए ये आमी है, ये दिखाई दे रही है आमी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटी छोटी आमी बनने स्टार्ट हो चुकी हैं, मार्च का महीना चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, आमियां बनना स्टार्ट हो चुकी है।
धीरे धीरे ये मोटी हो जाएंगे। देखिए ये काफ़ी, ये देख सकते हैं आप, ये दिखाई दे रही है आपको एक छोटी सी, ये फल बन गया है यहाँ पर, काफ़ी मोटा फल हो चुका है। देखिए अभी यहाँ आपको दिखाते हैं, ये दिख गई आपको। देखिए इसी तरीके से धीरे धीरे इसकी आमी की हाइट बढ़ती रहेगी। ये देखिए छोटा फल बनना स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से धीरे धीरे इसमें फूल छट जाएगा तो आमी सारी बन जाएगी, छोटा फल बन जाएगा। और अगर आपके बगीचे में कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं कि हमारे आपके बगीचे में क्या परेशानी है, हम आपको उसका सब कुछ बता देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भारत में हर एक किसान को हमारे वीडियो से कोई मदद मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भारत में सब चीज़ नंबर वन पर होती है तो किसान भी नंबर वन पर ही होने चाहिए। अब देख सकते हैं, अभी देखिए ये बिल्कुल साफ है, इस पर कोई भी फफूंदी या कोई कीट का प्रकोप नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप, ये बहुत सुरक्षित है, कोई भी कीट का इस पर प्रकोप नहीं है, आप देख ही सकते हैं। देखें आपको कोई भी, अगर आपके बगीचे में कोई परेशानी है या कोई कीट लग रहा है या फफूंदी लग रही है पेड़ पर, तो आप मुझे बताएं मेरे कमेंट में, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपकी जो समस्या है वो मुझे बताएं, मैं आपको उसी समस्या का सॉल्यूशन दे दूंगा, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा, आप फिर अपने बगीचे में प्रयोग कर सकते हैं उसका। इसलिए इसके मार्केट में काफ़ी रेट होते हैं, तुलसी के पेड़ का काफ़ी रेट होते हैं, क्योंकि इसको मार्केट में भी खाने में भी ज़्यादा टेस्ट, और मार्केट में इसको लेट सप्लाई करा जाता है तो इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये पकता भी लेट है, इसको जून के बाद तुड़ाई होती है इसकी हार्वेस्टिंग। देख सकते हैं आप तुलसी के पेड़ पर बोर काफ़ी अच्छा है, हर एक टहनी में बोर है, आपको पेड़ पर मैं मोबाइल में दिखा रहा हूँ, ये वीडियो में देख सकते हैं आप, वो कम दिखाई दे रहा है इसलिए, देखिए ये तसेरी है, ये देखिए मेरे किसान दोस्तों, आपको किसी भी समस्या का सलूशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में ज़रूर अपनी समस्या का समाधान दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समस्या बताएं, क्योंकि समस्या अगर बढ़ती है बगीचे में तो उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकोप आम पर माहू कीट का होता है, जो चैंपा 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 पेड़ पकड़ देता है, जो ऐसे लगता है जैसे कि पेड़ पर कैसा, मतलब चेपा चेपा जिसे बोलते हैं, ऐसा लगता है इस पेड़ पर क्या चीज़ आ गई है ये, क्योंकि वो सारा रस चूस लेता है पेड़ का, और रस चूस कर टहनी पर ही छोड़ देता है, इस तरीके से हमें लगता है कि पेड़ पर ये क्या है, पेड़ की टहनी को ऐसे लगता है जैसे बक्खर टपक रहा हो पेड़ पर से, ऐसे लगता है जैसे कि शहद पेड़ से टपक रहा है, ऐसे लगता है शहद पेड़ से टपक रहा है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो कितना खतरनाक हो सकता है उसका प्रकोप। उस समस्या से आपको माहू कीट से, माहू कीट का प्रकोप रोकने के लिए आप हमसे, हमारे वीडियो में जुड़े रहें, और भी कुछ बहुत समस्या होती है जो आम के बगीचों में आती है, आप, मैंने देखिए आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो में कोई भी परेशानी नहीं है, इस बोर पर कोई परेशानी नहीं है, आप मेरी पूरी वीडियो देखें आपको पता चलेगा कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपके बगीचे में कोई परेशानी है तो मुझसे संपर्क करें, हमारी वीडियो में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि, और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी मदद पहुँच सके, ताकि हमारी मदद कुछ लोगों के काम आए।
अगर हमारी वीडियो कुछ लोगों के काम आएगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी आपके इस बगीचे में समस्या है, चैंपा है या माहू कीट है, तो हमसे संपर्क करें ज़रूर, तो हम उसको आपको सलूशन देंगे। हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि मेरे सभी किसान भाइयों के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी को इस वीडियो को देखकर एक सीख मिले कि हम अपने भारत को, किसान जितने भी हमारे भारत में किसान हैं उनके पास से हमारी वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो को देखकर मदद मिले। क्योंकि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये टहनी पर बोर देखिए कितना साफ है, इस पर कोई परेशानी नहीं है, इस पर ना कोई कीट है, ना इस पर फफूंदी है, ना कोई आप कुछ इस पर कीड़ा है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सुरक्षित है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। अगर आपके बगीचे में फफूंदी है तो, अगर फफूंदी अगर आपके बगीचे में है तो उसको कैसे पता करें? फफूंदी अगर आपके बगीचे में लग रही है, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये बोर है, ये बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये फूल खिल रहा है, इस पर आम ही बनने के लिए छोटा फल बन जाएगा, इस पर ये छटने लगेगा फूल। जैसा अगर फफूंदी होती है उस पर तो ये पूरा काला पड़ जाता है, काला पड़ता है। फफूंदी दो तरह की होती है, काली और सफ़ेद। अगर फफूंदी इस पर काली वाली होगी तो ये काला सारा बंजर या बोर काला हो जाएगा। अगर फफूंदी सफ़ेद है तो जैसे ये टहनी है, ये बोर में टहनी निकली है, ये इस टहनी पर पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा। और इसको आप हाथ लगाएंगे, इस तरीके से आप हाथ लगाएंगे इसको, तो ये टूट के अपने हाथ में आ जाएगी, उसे सफ़ेद फफूंदी बोलते हैं। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोग और सभी लोगों को मदद मिल सके। और वीडियो बताने से पहले आपको बता दूँ चैंपा क्या होता है। जैसे कि ये हमारा बोर है, देखिए ठीक है, इस पर कोई परेशानी नहीं। अगर इस पर चैंपा होगा, जैसे माहू कीट होता है, माहू कीट इसका रस चूस लेता है, जैसे यहाँ से रस चूस लेगा इस टहनी का, वो सारा रस चूस लेगा, और रस चूसने के बाद वो इन पत्तों पर गिरा देगा यहाँ पर। अब जब इस पर आप पत्ते पर से हाथ लगाएंगे तो आपको अलग ही दिखाई देगा। जैसे वो इस पत्ते पर हाथ लगाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे पत्ते पर पता नहीं क्या चीज़ है, ये शहद शहद जैसा होता है या बखर जैसा, बिल्कुल इस तरीके से होता है, इससे शहद होता है, इस तरीके से होता है। तो इस समस्या से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि माहू कीट को रोकने के लिए स्प्रे करनी पड़ती है बहुत, और वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो आपको अगर समस्या का सोल्यूशन चाहिए तो हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लगातार देखें, क्योंकि हमसे जुड़े रहें, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वीडियो हर एक किसान तक पहुँचे, सबको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी मदद मिले, मैं कुछ किसान भाइयों की सहायता कर सकूं, क्योंकि ऐसा अच्छा लगता है कि अगर एक किसान दूसरे किसान के काम में आएगा तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसा करने से लोग अपने, जैसे मैं करूंगा वैसे लोग करेंगे, तो आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन होता है कि यार हमारी मदद से भी कुछ लोगों को मदद मिली, ऐसा अच्छा लगता है। तो इसलिए हमारी वीडियो से जुड़े रहें, और हमारी वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलती है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि मतलब किस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं, हमें किस तरीके से वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करें मेरे किसान दोस्तों। वीडियो से जुड़े रहें। ये देखिए, ये मेरा चूसे का पेड़ है, ये देखिए, देखिए चौसे का पेड़ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा चौसे का पेड़ है। देखिए अभी हवा चल रही थी बहुत तेज गाइस फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी बोर टूट कर गिर चुका है, ये देख सकते हैं आप कितना बोर पड़ा है, ये कितना नुकसान हो रहा है हमें, आप देख सकते हैं कितना बोर पड़ा है नीचे। और आप ये भी देख सकते हैं कि बोर, देखिए पेड़ की जड़ है ये, अब देखिए बोर कहाँ पर आया है, ये देखिए
आप देख सकते हैं कि देखिए बोर, ये बोर कहाँ पर आया है इसमें। अगर आपको भी ऐसा बोर चाहिए पेड़ पर, तो आप हमारी वीडियो से देखकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। काफी नुकसान हो रहा है, बहुत बोर टूटे गिर रहा है नीचे। आपको जो भी समस्या है वो मेरे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको उसी टाइम पर उस दवा का नाम दे दूंगा। अभी जरूर हमें बताएं। ये लंगड़े का पेड़ है जिसे आपकी भाषा में बनारसी बोलते हैं, बनारसी से बोलते हैं, लंगड़ा भी बोलते हैं इसे और बनारसी बोलते हैं। अभी तो एक ओनली इस पर बोर ही आ रहा है, तो इतना अच्छा लग रहा है पेड़ पर। अभी जब इस पर आम जब बन जाएगा, इस पर जब मैं आपको इसकी वीडियो बना कर दूंगा, तो आपको कितना अच्छा लगेगा आप देख सकते हैं। जी गाइस देखिए, मेरे पेड़ के ऊपर एक लाइन जा रही है जो 11,000 की लाइन है। ये बहुत खतरा है इस पेड़ पर, इसलिए हम इसके आम तोड़ नहीं पाते हैं। देखिए लंगड़े का पेड़ है, इस पर कोई कोई दाना कभी खिल रहा है, देख सकते हैं आप। आप देख सकते हैं ये बहुत कहां से निकला है, देखिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा पेड़ अंदर से भी ऐसा ही है जैसा बाहर से है। हर एक टहनी पर बोर आया हुआ है, हर एक टहनी पर बोर है। आपको अपने बगीचे में ऐसा ही बोर लाना है तो आप मुझसे जुड़े रहें, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादातर लोगों के पास हमारी मदद पहुंच सके। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को शेयर करें। देखिए गाइस, इस छोटे से पेड़ पर बोर देखिए। इस पेड़ पर पिछले साल भी मेरे बहुत आम आए थे और इस साल भी ये पेड़ पूरा पूरा फूल आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये किस वजह से फूल आया है, इसमें हमने क्या खाद डाला है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हम कैसे देख सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहें ऐसी वीडियो देखने के लिए।
आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, जिस वजह से काफ़ी बोर्ड टूट रहा है। देखिए किस तरीके से पेड़ हिल रहे हैं, इस हवा से बहुत नुकसान है। किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा नुकसान इस आंधी का ही होता है, क्योंकि आम का जब सीज़न आता है तो आंधी बहुत ज़्यादा आती है। इस वजह से किसान भाई को बहुत नुकसान होता है। ये 84 का बोर है। देखिए बोर कितना बड़ा होता है, लेकिन इस पर जो आम रुकते हैं वो 2 या 3 ही आम रुक पाते हैं इस बोर पर। किसी पे ज़्यादा रुकते हैं तो वो आंधी से गिर जाते हैं। ये हमारा एक ऐसा पेड़ है जिस पर इतने पत्ते नहीं है, इतना बोर है। देखा इस पेड़ में एक समस्या आ गई थी, सूखने लगा था, लेकिन हमने इसको पेड़ को बचा लिया है। और देखिए इस पर फ्लावरिंग कितनी खतरनाक आई है, इस पर कोई टहनी ऐसी बची नहीं है, टहनी क्या गुद्दों में तक आम निकला हुआ है। देख सकते हैं मोटे से मोटे गुद्दे में आम निकला है। देखिए जड़ में तक आम आया हुआ है इस पर। देख देखिए देखिए इस पेड़ को हमने बचा लिया था।
ये वही पेड़ है जो सूखने से हमने बचा लिया था। काफी बड़ा पेड़ है, चूसे का पेड़ है। देखिए जब टहनी है लेकिन इस पे भी बोर निकल रहा है। देखिए देखिए कितना खतरनाक तरीके से वो निकला है।
ये लकड़ा का पेड़ है, इस पर बहुत खिलना स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। देखिए इस पर कितने आमें बन चुकी हैं। अभी 20 दिन के बाद आपको सभी पेड़ों पर आमें दिखाई देगी, सभी पेड़ों पर। आप देख सकते हैं इस पर किस तरीके से आमें बन रही है। देखिए इस टहनी पर कितना लंबा बोर है। देखिए जो बोर अभी कुछ टाइम पहले निकला था, जो काफ़ी हाइट हो गई है इसकी, जो पहले निकला था वो खिल रहा है, जो अभी लेट निकला है वो नहीं खिल रहा है देखिए। लेकिन आगे पीछे मोड़ निकलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, जितना बोर लेट निकलता है उतना ही सही रहता है। चाहे बोर कितनी भी आगे पीछे निकले, लेकिन उसकी हार्वेस्टिंग एक ही टाइम पर होती है। देखिए मेरे इसी एक पेड़ में दो पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बोर कुछ अलग तरीके का है और इधर बोर अलग तरीके का है। मैं आपको पास में दिखाता हूँ, देखिए ये बोर अलग तरीके का। देखिए जड़ भी एक ही है इस पेड़ की, देख सकते हैं आप। और ये देखिए पास पास में ही है, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये किसी ये टहनी किसी और पेड़ की है और ये टहनी किसी और। पेड़ एक ही है लेकिन एक ही पेड़ में दो तरह के फल हैं। आप बोर देख कर अंदाजा ही लगा सकते हैं। देखिए गुच्छों से बोर आ रहा है, वो ये सीधा सीधा बोर है, देख सकते हैं आप। जब इस पे आम बन जाएंगे तो मैं आपको उसकी वीडियो बना कर दूंगा।
कितना शानदार वो निकला है। अब मैं आपको एक ऐसा पेड़ दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे बगीचे में सबसे बड़ा है। देखिए, ये एक ही पेड़ है जो इतना बड़ा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बड़ा पेड़ होगा। अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक ही पेड़ है। देखिए, ये काफी बड़ा पेड़ है। देखिए, बहुत ज़बरदस्त है, मेरे घर पर ही है। देख सकते हैं आप इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेड़ है। लेकिन इस पर फल आज तो बहुत है, बहुत ज़्यादा फल आता है, लेकिन हवा की वजह से इसका फल गिर जाता है। जब आंधी आती है, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है तो आंधी की वजह से पेड़ गिर जाता है, पेड़ का फल सारा गिर जाता है। क्योंकि आंधी ज़्यादातर जो होती है वो पेड़ के ऊपर के हिस्से में ज़्यादा लगती है। देखिए कितना बड़ा पेड़ है, आप देख सकते हैं। देखिए सामने ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ कटहल का है। कटहल के पेड़ की हाइट भी शाम के बराबर लग रही है। दूसरा पेड़ है, देखिए कितना बड़ा पेड़ है। मैं इसके नीचे से दिखाता हूँ आपको पेड़, कितना जबरदस्त पेड़ है ये। देखिए मैं आपको ये पेड़ दिखा रहा हूँ, इसकी जड़ देखिए। और आपको मैं इस पेड़ पर ऐसी ऐसी जगह बोर दिखाऊंगा जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा और कभी यकीन नहीं किया होगा कि बोर कहाँ कहाँ पर निकल सकता है। जैसे कि ये देखिए, देख सकते हैं ना आप कितना लाजवाब कहाँ पर बोर निकला है। पत्ता तक नहीं है, वहाँ बोर निकला हुआ है। ये देखिए, देखें इधर से देखता हूँ। देखिए गाइस, है ना अंदर। आप, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए इस पेड़ की जड़ कितनी मोटी है। और देखिए ये बोर कहाँ पर आया है, देख सकते हैं आप। देखिए गाइस कितना नुकसान हो रहा है मुझे, कितना बोर टूटा पड़ा है ये हवा से। देखें कितना ज्यादा, कितना कितना बड़ा बोर टूट रहा है। पेड़ की हाइट देखिएगा ऐसा, देख पूरे पेड़ पर बोर है और इसकी हाइट देखें आप। इसकी हाइट बहुत ही ज्यादा है। देखे जैसे कि हमने आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये चौसे का पेड़ है, ये चौसे का पेड़ है।
ये सभी चौसे के पेड़ हैं। जैसे मैंने भी बताया था आपको, जैसे कोई भी परेशानी अगर आपके बगीचे में है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। ये सब मेरे चौसे के पेड़ हैं, ये चौसे का पेड़ है, सभी चौसे के पेड़ हैं। जो चौसा जो आम होता है मार्केट में सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि ये सबसे लेट टूटता है पेड़ से, इसलिए इसकी आप देख सकते हैं कि हमारा बगीचा कितना बड़ा है, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कितना बड़ा है हमारा बगीचा। आप इस पे फ्लावरिंग देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे किसान दोस्तों, फॉलो करो मेरे फ्रेंड्स, प्यारे किसान दोस्तों, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो मेरी वीडियो को, शेयर कर दो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारी वीडियो से कुछ जानकारी किसान लोगों को अच्छी तरह से प्राप्त हो सके मेरे किसान दोस्तों।
आप देख सकते हैं कि ये साफ सुथरा है बिल्कुल। और कोई भी परेशानी अगर है आपके पेड़ पर तो मुझसे संपर्क करें, वरना हो सकता है कि आपके पेड़ पर कोई ज़्यादा समस्या हो तो पेड़ का फल जो है बनने से पहले ही खराब हो जाए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई किसान भाई है, अगर उन किसान भाइयों को किसी भी चीज़ का अगर कुछ पता नहीं है तो वो हमारी वीडियो को देखकर कुछ अपने बगीचे में मदद कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है ना, आम पर जैसे जैसे इस पर आमी बनती रहेगी समस्या उतनी ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि समस्या जो होती है वो इतनी ज़्यादा परेशानी करती है, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं ये छोटा सा पेड़ है। हेलो मेरे किसान दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा कीट दिखाऊंगा जो आम को कर सकता है बर्बाद, आम की फसल को पूरी बर्बाद कर सकता है। देखिए, एक मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जो कीट है ये माहू कीट है, ये पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। ये माहू आम के बोर का सारा रस चूस लेता है, जिस वजह से टहनी में जान कम होने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से चलता है ये टहनी पर। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कीट है, इसलिए अगर आपके बगीचे में भी है तो आप अपने बगीचे में सावधान हो जाएं, वरना अगर ये आपके बगीचे में है तो आपको फसल का बहुत ही नुकसान हो सकता है। आप इसको मारने के लिए इमिडाक्लोप्राइड का प्रयोग कर सकते हैं, या इमिडाक्लोप्राइड से ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। देख सकते हैं आप किस तरीके से इसका प्रकोप हो रहा है। ये इतनी इसकी पैदावार इतनी होती है कि आज 10 है तो कल को 20 होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कीट है, इसलिए आप इस कीट से सावधान रहें।